गुड मॉर्निंग। मैंने 1 बजे सोए हुए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल मैं पहुँच गई थी कुनिहार, और यहाँ पे आके ना बहुत ऐसे अच्छा सा लगता है, मतलब सुकून जैसा नहीं लगता, खेतों के बीच में घर, एक शांति शांति से ऐसा फील होता है। एंड आज मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कुनिहार में आके क्या करती रहती हूँ, मतलब मेरा पूरा दिन कैसे जाता है इधर। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले पानी, फिर मासी ने बनाई चाय, ये मेरा और दादू का फेवरेट स्टेप है। हम दोनों जब भी मिलते हैं हम ऐसे ही करते हैं। चलो दादू, चलो चलो करो। तो अभी फुलके फलके बन चुके हैं एंड हम जाते हैं अब दादी से मिलने। दादी, वेयर आर यू? कहाँ गई दादी? ये देखो, पशुओं को निकाल दिया है बाहर। और वो डॉलर डॉलर दादी। चलो दादी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो मैं ना दादा के साथ जाती हूँ काम करने। इधर को जाना। कहाँ? घास को, घास। हाँ, घास को उठाना। आपको ये वो लंबा तो ऊपर के तो लंबा का। अच्छा अच्छा ये ओके ओके। तो हमारे दादू जी हैं जो प्रॉपर बोल नहीं पाते, उनको समझ नहीं आती है। तो अभी वो यहाँ पे जो सरसों लगे हैं ना, सरसों इस खेत में, तो ये सरसों सारे काटेंगे और आज हम दादू की हेल्प करेंगे। हम काट काट के लाएंगे। और अभी हम यहाँ पे काटेंगे सरसों। ये चने के खेत है तो इसमें बीच बीच में सरसों लगाए हुए हैं, तो पहले से ही काट के रखा हुआ है इन्होंने थोड़े थोड़े, और थोड़े से बच्चे हुए वो भी दादू काट रहे थे, तो हमने सोचा चलो हम भी हेल्प कर लेते। तो मैं और मासी भी थोड़ा थोड़ा करके काट रहे थे। ऐसा तो कोई करने देता नहीं यहाँ पे कुछ। दादी आके बार बार बोल रही थी क्यों कर रहे हो, बैठ जाओ। पर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को भी ऐसे अच्छा लगता है ऐसे कुछ छोटा मोटा करना। और यहाँ पे सरसों के साथ लगे हुए चने खाओ। ये देखो, ये है चने, काले चने, अभी कच्चे है ना ये। आज इतना सा काम करके तो मजा ही आ गया, घर वाली फीलिंग आ गई। घर पे भी हमें इतना काम करते ना, तो आज सच में ऐसे ज़्यादा तो नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, मतलब बीच बीच से ही उठ उठ के लाना था, तो उसमें ज़्यादा कोई काम नहीं था। यहाँ पर फिर भी कम है, हमारे अगर बीज तो पूरा पूरा खेत, मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता है एक ही खेत में, पर यहाँ तो जल्दी हो गया और घर के पास ही था तो और भी जल्दी से हो गया। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बन रहा है मेरे लिए स्पेशल मूली के परांठे। बन गए परांठे, और ये इतना बड़ा ये देखिए। ओ मैडम जी, ले दे और मक्खन। नहीं मक्खन बहुत बहुत सारा मक्खन है। ठीक ठीक मक्खन होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दादाजी बाहर अकेले ये काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प कर लेती हूँ। तो इन्होंने जो है ये सरसों पहले से निकाल के रखी थी, इसको सुखाया था, तो कुछ सूखे हुए सरसों को निकाल के इन्होंने कूट के रखा था, जिसके भूसे को ये हाथ से अलग कर रहे थे। तो हम लोग भी गाँव में जो राजमा वगैरह करते हैं उसको इसी तरीके से करते हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ।
ले जाना इसको ले। हाँ। डंगर में आता डंगर को उसको उठाऊं और अच्छा खाली करके आओ। और ये कुछ सरसों ऑलरेडी इन्होंने छान के रखा है पहले से, इसको धूप लगाया हुआ है। तो सरसों प्रॉपर इस तरीके से सूखे होने चाहिए कि दबाओ और निकल जाए। जब इतना सूख जाए तभी इसको कूट कूट के निकाला जाता है। जो हमने आज निकाला था उसको हमने यहाँ पे सुखा के रखा है पीछे साइड, और जो पहले से जो सूखे थे उसको काट के कूट के अब भूसा अलग करके फिर इसको मोटी छन्नी में छानेंगे ताकि जो सरसों के दाने हैं वो नीचे आ जाएँ और जो मोटा भूसा है वो ऊपर रह जाए ताकि इसको छानने में और आसानी हो जाए। और आज जितने सूखे हुए थे उनको कूट के अलग रख दिया है और बाकी शाम को इसको हवा में लगाएंगे। और दिन में तो भाई यहाँ बहुत बहुत गर्मी है, बाहर निकलना मुश्किल है। एंड आज अंकू का बर्थडे है इसलिए वो बंदा घर पे नहीं है, वो जॉब करता है तो बाहर है, और वो हमारे लिए आज उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में पिज़्ज़ा खाएंगे। हैप्पी बर्थडे अंकू। हमारा पार्टी का सामान आ गया है आज का पार्टी का है। दो पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है अचारी वाला, पता नहीं कौन सा अचारी वाला, एक तो फार्म वगैरह था, फार्म क्या फ्रेश। एक फार्म फ्रेश है और एक है अचारी। ये फार्म फ्रेश है आई थिंक और ये अचारी है। अचारी वाला है, शिल्पी अचारी वाला कैसा होना आज लगना पता। जिसका बर्थडे वो तो है नहीं और हम उसके नाम का पिज्जा खाए जा रहे हैं। पिज्जा खाओ पिज्जा, आप भी खाओ पिज्जा, आप भी खाओ पिज्जा और आप भी खाओ पिज्जा। और अब शाम के समय जो दिन में हमने सरसों के दाने छान के रखे थे जिनको प्रॉपर अच्छे से साफ़ नहीं किया था उसको मासी हवा में लगा रही है ताकि जो बचे खुचे भूसे हैं वो भी निकल जाए और जो सरसों है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और ये देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गई है क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी अभी। ये है सरसों के दाने। और ये जो हरे चने हैं ना इनको खाने का मज़ा ही कुछ और है सच में। इसको और गलती से एक बार खा लो ना तो ऐसा बार बार खाने का ही मन करता है। तो सुबह से पता नहीं मैंने कितनी बार खा लिया ये। एक तो घर के पास ही लगा है तो जब भी हम यहाँ से जाते हैं तो हाथ लगा के निकाल ही देते हैं, और अगर कोई खा रहा है तो हम फिर भी खा लेते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम तीन दाने होते हैं, तो कभी एक होता है कभी तीन। तो एक होगा तो बहुत बड़ा होता है, तीन होगा तो छोटे छोटे दाने होंगे। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार एंड दीक्षु मैं और मासी हम तीन जा रहे हैं मार्केट में। मुझे थोड़ा मार्केट में काम भी है तो चलो। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं रूम मार्केट में। बहुत टाइम लग गया हमारे को शाम, मतलब दिन के जैसे अंधेरे नहीं होने से पहले गए थे और अंधेरा होने के बाद घर आए। तो सबसे पहले तो मैंने पीनी है चाय। मैं बोल गई आंटी को, आंटी चाय पीनी प्लीज़ चाय पिला दो, आंटी चाय बना रही हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी मैंने आज क्या क्या शॉपिंग करी है। एक दो चीज़ें जो मैंने बहुत अच्छी ली लेनी थी, एक चीज़ मेरे को नहीं लेनी थी पर मुझे अच्छी दिखी और मैंने ले ली। तो मैं अभी चाय पीने के बाद आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। थैंक यू आंटी जी। सिल्वा वाला ताके वे आपके पास बहुत है, लाल चुनी है आपके पास। टोपी अपने को आपके पास बहुत सिल्वा ले टोपी लगा के जरा। तो मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की है, उसमें से पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये सूट। मेरे को ये सूट आज मार्केट में चलते चलते दिख गया रास्ते में और मैंने ले लिया। ये कमीज है और ये इसका दुपट्टा है, अच्छा है मतलब लाइट वेट अच्छा है। और ये इसका सलवार है। और इस सूट का जो प्राइस है वो सोलर में मैंने पूछा था ऐसा ऐसा सूट, वो मेरे को पड़ रहा था 1500 के आसपास और यहाँ पे ये वाला सूट पड़ा मुझे 1200 में। मतलब कुनिहार मुझे सूट के मामले में थोड़ा सस्ता लगा सोलन के मुकाबले।
और साथ में ली मैंने ये झुमके, ये ब्लैक वाले। एक्चुअली आजकल मैं सूट पहन रही हूँ ना, तो मेरे पास झुमके में एक है और एक बहुत बड़ा है, वो बहुत हैवी है, मतलब उसको मैं ऐसे पहन नहीं सकती पूरे दिन, तो मैं उसे यहाँ लेती हूँ। मुझे इससे बड़े चाहिए थे बट ये ब्लैक में था और ये इतना ही साइज था छोटा ऐसा, तो ब्लैक में ही मिल रहा था, मैंने यही ले लिया और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरा कर और साथ में लिए मैंने ये बेलीज अपने लिए, और यार ये मुझे यहाँ पड़ा 50 रुपए का, अगर मैं सोलन में लेती ना ये मुझे ना कम से कम 100 रुपए में तो आराम से देना था बंदे ने, 100 से कम में तो, या 80, इससे कम में नहीं देना था, बट मुझे यहाँ 50 रुपीज का पड़ा और मैंने ये बेलीज लिए अपने लिए। इतने अच्छे लगे ना मुझे ये भी, और ये भी मुझे पड़े यहाँ पे 350 रुपए में, 350, और अगर सोलन में लेती उसने मुझे ये देने थे कम से कम 700-800 तक, क्योंकि मैंने पिछली बार शादी में इस मतलब इससे थोड़ा सा अलग जैसा था वो लिया, वो मुझे उसने 800-800 रुपए में दिया, नहीं 750-750 में दिया था मेरे को, हाँ 1500 में दो लिए थे ना मैंने, और यहाँ पे ये 350 में पड़े और अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत टक टक वाला है। इसके अलावा बाकी छोटी मोटी चीज़ें ली मैंने, जैसे कि शैम्पू वगैरह, रुमाल वगैरह, तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं अब अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।